वेलकम बैक, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त दीपक, फिर आ चुका हूँ और एक नए वीडियो के साथ। तो अभी मैं दुबई में ही घूम रहा हूँ और आज मेरा पांचवा दिन है। तो आज डिसाइड किया मैंने दुबई फ्रेम जाने का। तो दुबई फ्रेम भी मेट्रो से पास में ही है, आप मेट्रो से ट्रैवल कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपको मेट्रो से ट्रैवल करना हो तो दो स्टेशन है, उसमें से कोई एक स्टेशन पर आप उतर जाना। तो एक स्टेशन का नाम है ADCB और दूसरा है मैक्स स्टेशन। तो मैंने ADCB स्टेशन के पास उतरा हूँ, वहाँ से हार्डली 5 से 6 मिनट की वॉकिंग में अपना दुबई फ्रेम आपको मिल जाएगा। तो दुबई में आज मेरा पांचवा दिन है और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। एक दो चीज़ मैं आपको एडवाइस करूँगा, अब उससे बच के रहना। एक, कोई भी मॉल हो, कोई भी शॉपिंग सेंटर हो, उसके पास अगर आपके पास कोई भी बंदा आता है और बोलता है कि अरे आईफोन ले लो, आईफोन ले लो, आपको 3000 दिरहम बोलेगा, ये फिर उसके बाद 2000 दिरहम आएगा, फिर 500 तक आ जाएगा। बट कभी लेना मत, ये सब फेक रहता है और कॉपी भी रहता है और चोरी भी करके लोग बेचते हैं। आपको बोलेंगे मेरे पास बिल है, बॉक्स है, सब कुछ है, बट आप कभी लेना मत, ये सब चीज़ों से बच के रहना। दूसरा, ग्रीन लाइन और रेड लाइन में कंफ्यूज मत होना मेट्रो के। जैसे मेट्रो में आप चढ़ोगे ना, वहाँ पे लिखा रहता है ग्रीन लाइन कहाँ जाएगा, रेड लाइन कहाँ जाएगा। और प्लेटफॉर्म में भी कन्फ्यूज़ मत होना, मैंने देखा है, मैं खुद कन्फ्यूज़ हो चुका हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। वहाँ पे बोर्ड लिखा है जहाँ पे ग्रीन लाइन कहाँ जाता है, रेड लाइन कहाँ जाता है, सब कुछ लिखा होता है। तो ये चीज़ का आप ध्यान देना। अभी हम जा रहे हैं दुबई फ्रेम। दुबई फ्रेम अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बता दूँ, दुबई फ्रेम वर्ल्ड की सबसे बड़ी फ्रेम में से एक मानी जाती है। और दुबई वाले जो भी बनाते वो सिंपल स्वीट नहीं बनाते, आपको भी पता है, उनके पास इतने पैसे हैं कि वो सबसे कुछ अलग ही बनाएंगे, हटके बनाएंगे। उसमें से ये है दुबई फ्रेम, इसको वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेम में भी बोला जाता है। तो काफ़ी इसके बारे में सुना हुआ है, तभी मैं जा रहा हूँ विजिट करने को। तो मैं बहुत ही पास हूँ, बस यही है, आपको आजू बाजू देखते रहना है और फ्रॉड लोग के बच के रहना। वो लोग बोलेंगे कि अरे मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ खाने को दे दो, और बोलेंगे आप मेरा आईफोन ले लो, पर ऐसे ही कोई 500 दिरहम में कोई आईफोन देगा नहीं, तो बच के रहना। बाकी तो दुबई बहुत सही है और दिसंबर महीने में इतनी गर्मी नहीं है जितनी मैंने एक्सपेक्ट की थी। अभी काफ़ी चिल मौसम है और धूप भी ज़्यादा नहीं लग रही है जब से मैं आया हूँ। और आज मेरा पांचवा दिन है और कल शायद से वापस अपनी कंट्री इंडिया में आ जाऊँगा, क्योंकि कल मेरी दुबई से शारजाह से मेरी फ़्लाइट है। तो दुबई से शारजाह भी जाऊँगा मैं बस से। तो आज सुबह सुबह मैंने RTPCR रिपोर्ट करवा लिया है, जिसका रेट 85 दिरहम है। जी हाँ, ये सबसे चीपेस्ट है। अगर आपको जाना हो, आपको करना हो, तो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक में मैसेज डाल देना, मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन से हॉस्पिटल में आके करवाना है। आपको 24 घंटे लगते हैं। तो आज मैं रिपोर्ट करवाया सुबह कुछ 11 बजे करीब, नेक्स्ट डे मेरी 11 बजे तक मुझे मेल पे आ जाएगा या SMS आ जाएगा। ये दो चीज़ें, आप इंडियन नंबर भी दोगे तो इंडियन नंबर पर SMS आ जाएगा, तो आपको इजीली RTPCR मिलेगा कम रेट में। यही आप प्राइवेट में करने जाओगे तो आपको पड़ेगा 100 से 150 के बीच। तो ये चीज़ ध्यान देना, आपको चीपेस्ट तो 85 है, उससे कम में आपको कोई हॉस्पिटल करके नहीं देगा। तो मैं दुबई फ्रेम के बहुत पास पहुंच गया हूँ, आपको भी एक दूर की झलक दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, दिख रहा है आपको जो गोल्डन में पूरा क्लाउड के साथ, देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो यहाँ पे जाने के लिए मैं वॉक करते करते आया हूँ मेट्रो से, तो हार्डली 10 मिनट वॉक किया मैंने और मैं दुबई फ्रेम के पास पहुंच चुका हूँ। तो अभी अंदर जाते हैं, कितना एंट्री चार्जेस है, क्या क्या है, हम देखते हैं। गाइस, मैंने टिकट ले ली है, इंटरनेट पे 50 दिराम दिखा रहे थे, यहाँ पे 52.5 लिया है। आई डोंट नो 2 रुपया 50 पैसा ज़्यादा क्यों लिया है, बट ये टिकट है, इसमें टाइमिंग लिखा और लिखा है जर्नी ड्यूरेशन 30 मिनट्स, आधे घंटे में जर्नी ख़त्म करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ की जर्नी। We'll be right back.
ऊपर से। तो ये है एंट्री गेट, यहाँ से हम करेंगे एंट्री। ओके 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 ओके। तो आपने देखा कैसे नीचे फ्लोर पे LED स्पार्क हो रही है, छोटी छोटी लाइटें ब्लिंक हो रही है, काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी अच्छा लगा। जैसे आप एंट्री करोगे तो वहाँ पे लोग फ़ोटो खींच रहे हैं और एक नंबर दे रहे हैं, तो मे बी जब हम एग्जिट हो गए तभी वो फ़ोटो मिलेगा, चार्जेबल रहेगा, क्या होगा अपन देखते हैं। तो चलो अभी हम अंदर घुस रहे हैं, एंट्री करें दुबई फ्रेम में। तो वेलकम, ये है दुबई की हिस्ट्री, पहले था रेगिस्तान। अगेन दिस इज पुराना दुबई, क्या था पहले दुबई, कैसे रहते थे लोग, कैसे घर थे, दुबई के बारे में पूरा। लाइटिंग किताबें, पहले के घर कैसे थे, अबाउट हिस्ट्री। ये देखो पहले के बर्तन हैं, कपड़े की दुकानें पहले कैसी थी दुबई में। ये देखो छोटे छोटे सामानों की दुकान है, ये वहाँ के ट्रेडिशनल चीज़ें, दुबई की पहले कैसी थी देखिए, काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी पुरानी चीज़ें, बहुत पुरानी, तब तो मैं पैदा भी नहीं आ रहा हूँ तब की ये सब चीज़ें। ये मे भी आपने देखा होगा बहुत पुरानी पिक्चरों में, कुएं से पानी निकालने के लिए यूज़ करते थे हम। तो लिफ्ट से हम ऊपर आए और ये टॉप फ्लोर है दुबई का, और यहाँ से पूरा दिखता है दुबई, पूरी सिटी टूर दिखती है। मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए पूरा दुबई दिखता है यहाँ से, ये पूरी सिटी है। और अपोजिट साइड हम जाएंगे तो पूरा वो आपको और एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, पहले आप ये साइड की सिटी देख लीजिए। ये देखिए अभी आपको एक बेस्ट चीज़ दिखा दो, आपको देखनी है, चलो दिखा दो। ये देखो, ये नीचे देखो, से पूरा डर रहा हूँ, मेरी फट रही है, बट बहुत सही लग रहा है। स्टार्टिंग में जब पैर रखा था फट रही थी मेरी, पर अभी सही लग रहा है। तो ये बेस्ट पार्ट है अब तक का, जैसे ही मतलब पास जाते ना ऐसा डर लगता है, फिर पता चला अरे कांच है कुछ नहीं होगा, बहुत सही था, ये सबसे बेस्ट पार्ट है। और ये साइड में आपको दिखाता हूँ, ये साइड बुर्ज खलीफा दिखता है, अगर आपको यहाँ से दिखेगा आई विल शो यू, यहाँ से बुर्ज खलीफा दिखता है। देखो जो लंबा सा टावर है ना, ये शाइन कर रहा है, सबसे बड़ा दिख रहा होगा आपको, वो है बुर्ज खलीफा। ये साइड पूरी नियर बाय सी वाली लोकेशन है, ये साइड है, वो साइड सिटी है, और ये साइड पूरा बुर्ज खलीफा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ये साइड है, तो यहाँ से पूरी दिखती है सिटी। तो मेरे लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड यहाँ पे आप बैठ के स्नैक्स ले सकते हो, कॉफ़ी ले सकते हो, यहाँ पे लोग ने बनाया कि ऊपर बैठ के आप चिल मार सको, आधा घंटा मिलता है आपको दुबई फ्रेम घूमने का। तो नीचे पूरी हिस्ट्री है और ऊपर आपको फ्यूचर दिखेगा दुबई का,
तो काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी सबसे बेस्ट पार्ट तो मेरे को कांच का लगा है और ये साइड से पूरा सिटी दिखता है जो काफ़ी खूबसूरत है। मैं आपको वापस दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए। तो एंड पार्ट जैसे लिप से आप नीचे उतरोगे, आपने देखा लिप से नीचे उतरते समय कितना खूबसूरत लग रहा था दुबई। अब हम नीचे के पार्ट में आ चुके हैं वापस और यहाँ पे दिखेगा फ्यूचर ऑफ दुबई। फ्यूचर में दुबई कैसा दिखने वाला है, कैसा प्रोसेस रहेगा, कैसा रहेगा, इतना तो अच्छा दिख रहा है, पता नहीं अब और कितना अच्छा दिखेगा। तो मैं आपको दिखाऊँगा, अभी लोग चालू करेंगे पूरा शो, तो मैं आपको दिखाऊँगा। ऐसा लग रहा है कि हम खड़े खड़े पूरा लिफ्ट के ऊपर नीचे हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है पूरा देख के। अब हम लिफ्ट से नीचे जा रहे रहेगी यहाँ के हेल्थ केयर। तो ये था दुबई का फ्यूचर। तो मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्टली फ्रेम में देखने लायक क्या था। तो दुबई फ्रेम में देखने लायक था कि जब एंट्री करते हैं तो उसमें बताया गया कि एग्जैक्ट आज से 50 साल पहले दुबई कैसा दिखता था। फिर जैसे हम ऊपर गए लिफ्ट से तो उसमें दुबई जैसा है अभी, जो दिखता है अभी दुबई वो था। और आज से 20 साल या 50 साल बाद जब ऐसे हम लोग नीचे आए तो दुबई का फ्यूचर था। तो बेसिकली इस दुबई फ्रेम में दुबई के बारे में बताया गया है कि दुबई स्टार्ट में कैसा था, अभी कैसा है और फ्यूचर में कैसा रहा। तीन अलग अलग डेकेड बताए गए, काफ़ी खूबसूरत है। 52 दिराम लगते हैं एंट्री के, आधा घंटे की राइड है और आधा घंटा आई थिंक सो इनफ है, इतना कुछ है नहीं जो टाइम लगेगा। आधा घंटा दुबई फ्रेम के लिए बेस्ट है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको काम आई हो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कुछ कमेंट सेक्शन में बता सको, कुछ फीडबैक देना तो आप बेशक दे सकते हो। आप मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक से कनेक्ट हो सकते हो। तो जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप घर पर जाइए, सेफ रहिए और दुआ में याद रखना।